जय श्री राम। मैं आचार्य राज मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस विशेष कार्यक्रम 2018 नव वर्ष राशिफल में। और मेरी प्रार्थना भगवान से रहेगी कि 2018 आपके लिए अति उत्तम हो, आपकी सारी योजनाएं जो 2017 में अधूरी रह गई हैं वो आपकी पूर्ण हो, आपको मानसिक शांति मिले, आपको प्रेम मिले, आपका व्यापार वृद्धि करे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन क्या कहती हैं आपकी ज्योतिषीय गणनाएं, क्या कहते हैं आपके ग्रह, क्या कहते हैं आपके नक्षत्र और किस प्रकार रहने वाला है 2018, उस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। 2018 आपके लिए वाकई में खुशियां लेकर के आ रहा है। अगर स्वास्थ्य 2017 में बहुत खराब रहा है, स्वास्थ्य की परिस्थितियां बहुत खराब रही हैं, तो स्वास्थ्य 2018 में निश्चित रूप से आपका बेहतर होगा। हाँ, कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर जरूर रहेंगी, पारिवारिक बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपको संभालना पड़ेगा, लेकिन 2018 मन की शांति लेकर के आएगा, व्यापारिक वृद्धि लेकर के आएगा, जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छी तरीके से आप निर्वाह करेंगे। धन की परिस्थिति को लेकर के देखा जाए, धन अनायास खर्च जरूर होगा। 2018 में आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा और अच्छी चीज़ों पर नहीं खर्च होगा, लेकिन उसके साथ साथ धन आएगा भी, धन आने की भी काफ़ी अच्छी तेजी होगी और धन जाएगा भी उस स्पीड से, तो जाए कैसे नहीं, उस चीज़ को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन अत्यधिक ना खर्च हो उसके लिए 2018 में आपको एक मोर का पंख सदैव अपने कमरे में लगा करके रखना है, ताकि आपका धन अत्यधिक खर्च ना हो। परिवार के लोग निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे, पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ यदि घर में बहुत दिन से कोई मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं हुआ है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है या घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है बहुत दिन से, तो 2018 में आपको ये सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बच्चों की मैरिज होगी, घर में संतान की उत्पत्ति होने से घर का जो माहौल है वो खुशियों से भरपूर रहने वाला है। आत्मविश्वास भी आपका 2018 में अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बेहतर रहेगा ही। यदि नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं और 2018 में उसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 2018 में व्यापारिक परिस्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। पढ़ाई को लेकर के भी 2018 आपके लिए अनुकूल रहेगा। पढ़ाई संबंधित कोई विदेश यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं तो भी उसके लिए परिस्थितियां बिल्कुल बेहतर हैं, विदेश यात्रा इत्यादि आपके लिए हो जाएंगी। यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है और याद रखने की चीज़ है, खासकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा तो है लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा। रखना किस चीज़ का होगा? नशीली पदार्थों का सेवन करना या मांसाहार इत्यादि का सेवन करना आपके स्वास्थ्य को बहुत दिक्कतें दे जाने वाला होगा। इसलिए 2018 में मेरा एक निवेदन होगा आपके लिए कि 2018 में नशीली पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए, मांसाहार से आपको अपने आप को बचाना होगा, दूर रहना होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावधानी किस प्रकार की? व्यापार में जब तक कार्य पूरी तरीके से हो ना जाए तब तक उस कार्य पर ढिलाई नहीं बरतिएगा। दशम भाव में गोचर कर रहा राहु निश्चित रूप से बनते हुए कार्यों में अंतिम समय में जाकर के विघ्न उत्पन्न करेगा और कार्य शायद आपके बिगड़ जाएंगे। इस कारण से आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसाय कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी इत्यादि 2018 में खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको वहां बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर खरीद भी रहे हैं तो पेपर इत्यादि बहुत ध्यान से देखें, प्रॉपर्टी में आपको धोखा मिलने का उम्मीद है। पहले से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो 2018 में जो दवाइयाँ लें उसको सावधानीपूर्वक देखें, ध्यान से दवाई लें कि दवाई 2018 में आपके शरीर को कम काम करेगी। कहीं ना कहीं 2018 आपके जो हृदय की कामना है उसको पूर्ण होने में अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को दूर करना है। कैसे दूर करेंगे हम इन सारी चीज़ों को? मैं आपको एक बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ जो आपके लिए रामबाण की तरह, अमृत की तरह कार्य करने वाला है। आपको 2018 में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का, सबसे पहली चौपाई है सुंदरकांड की, उसका रोज पाठ करना है, अपने जीवन में एक मंत्र के द्वारा धारण करना है। चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।
प्रतिदिन घर से निकलते हुए, चाहे गाड़ी में करें या घर में बैठकर करें, 5 बार करके जाइएगा। बहुत अच्छे से 2018 व्यतीत तो होगा, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। जय श्री राम।